अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम टॉपिक करेंगे एवरेज, है ना, औसत। आपको पता है यूपीएसआई का एग्जाम आने ही वाला है ना, तो हम टॉपिक वाइज स्टार्ट करते हैं। तो पहला है औसत। औसत एवरेज होता क्या है? तो देखिए, उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देखिए, एवरेज होता क्या है? एवरेज होता है समान वितरण, किसी भी चीज का समान वितरण, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे औसत को एक ऐसी सरकार माना जाता है जिसकी शासन में सभी वस्तुएं, संख्याएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं, है ना। हर किसी भी चीज का बराबर बराबर पार्टीशन करना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अब औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, हमारा फॉर्मूला होता है औसत क्या होता है, जो संख्या होती है उनका योग कर लेंगे। जितनी भी हमें संख्या दी होंगी उनका योग और अपॉन जितनी संख्या है वो हम नीचे लिख देंगे। देखिए, कुछ फॉर्मूले देखिए, जैसे हमें दिया है एन क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत। अगर एन दिया है और क्रमागत दिया हुआ है और प्राकृतिक प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा है, तो इसका आप फॉर्मूला याद रखिए क्या होता है, डायरेक्ट एन प्लस वन बाई टू होता है, ठीक है। फिर है एन क्रमागत सम प्राकृत संख्याओं का औसत। अगर पूछा जाए सम, अगर सम का पूछा जाएगा तो क्या आ जाएगा, इसमें एन आ जाएगा, कितना हो जाएगा, एन प्लस वन, ठीक है। और जब एन क्रमागत विषम संख्याओं का औसत पूछा जाएगा तो यहां पर एन आ जाएगा, ठीक है। जब क्रमागत लगातार प्राकृतिक की संख्या चल रही है तब तो क्या हो जाएगा, एन प्लस वन अपॉन टू। जब सम संख्या का पूछा जाएगा तो क्या लिख देंगे, एन प्लस वन, और जब विषम का पूछे जाएंगे तो क्या आएगा, एन आ जाएगा, ओनली क्या आ जाएगा, एन, ठीक है। उसके बाद है एन क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अगर क्या पूछा जाए, वर्गों का योग बताना है, तो हम क्या कर देंगे, इसमें एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स, ठीक है। उसके बाद अगला है जब संख्या समान अंतराल में हो तो संख्याओं का औसत क्या होगा। समान अंतराल का मतलब हो गया, जैसे कि सम संख्या है 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो उनके बीच में अंतराल कितना चल रहा है, दो दो का अंतराल चल रहा है ना, तो समान अंतराल में, तब उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, पहली संख्या लेंगे उसकी, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और अपॉन टू कर देंगे, ठीक है। अभी हमने इसके फॉर्मूले लेके, अब हम इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए देखिए, इसमें जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक से लेकर 100 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, एक से लेकर 100 तक। तो हमें इन्होंने एक हमें ये दे दिया कि लगातार जो संख्या चल रही है एक से लेकर 100 तक, यहाँ है ना कि 1, 2, 3 कहां तक जा रही है, 100 तक। तो हमें इसका औसत पूछा है। अब लगातार प्राकृत संख्या चल रही है हमारी, है ना, और फॉर्मूला क्या बताया था, जब बीच में डिस्टेंस बराबर होता है तो क्या फॉर्मूला लगता है, पहली संख्या औसत क्या आता है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और अपॉन टू कर देते हैं, ठीक है। पहली संख्या कितनी है, 1, और अंतिम कितनी है, 100/2, 101/2, कितना आ जाएगा, 2 × 10 और 0.2 × 10 और जो 50.5 आ जाएगा, ठीक है, जब लगातार पूछी जाएगी। उसके बाद देखिए, इसमें अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें देखिए अगला है 2, 4, 6, 8, 10 का औसत क्या होगा, है ना। क्या पूछा, 2, अब इनके बीच में भी डिस्टेंस कितना कितना चल रहा है, 2 चल रहा है, तो जब समान अंतराल होता है तब क्या करते हैं, यही फॉर्मूला लगा देंगे, तो औसत कितना आ जाएगा, औसत आ जाएगा पहला टर्म प्लस अंतिम कितना है, 10/2, कितना हो गया, 12/2, तो इसका औसत कितना आ गया, 2 × 6 = 12, 6 आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे दिया 4 के प्रथम 18 गुणजों का औसत क्या होगा, 4 के प्रथम 18, है ना, मतलब 4 × 1, 4 × 2, 4 × 3 कहां तक, 18 तक जाएंगे हम। तो देखिए, इसमें जैसे 4 × 1 करेंगे 4 आ जाएगा, फिर 2 से गुणा करेंगे तो 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12 और 4 × 6 = 16, बस कहां तक लेके जाएंगे, 18 तक। जब 4 × 18 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 × 8 = 32, 3 × 4 = 4 और 3 × 7 = 72। तो इनके बीच में भी अंतराल क्या चल रहा है, बराबर चल रहा है, देखो बीच में क्या है, 4, इसके बीच में भी 4 है और इसके बीच में भी 4 है, तो इसमें वही फॉर्मूला लग जाएगा, औसत क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा हमारा बराबर 4 + 72, पहली संख्या अंतिम संख्या 2, तो कितना हो गया, ये हो गया 4 और 72 कितने होते हैं, 76/2, 2 × 6, ठीक है। तो इसका औसत कितना आ गया है, इसका औसत आ गया है 38। तो इस तरह से हमने क्या देखा,
कि अगर समान अंतराल होता है तो हम उसका औसत कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए इसका एक क्वेश्चन और देखिए आप। देखिए इसमें क्या है, पांच क्रमागत सम संख्याओं का औसत 68 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। पांच क्या दे दी, क्रमागत सम संख्याएं दे दी हैं। इसमें पूछा है कि उनका औसत कितना दिया हुआ है, 68। कि पांच क्रमागत संख्या है सम, उनका औसत 68 है तो बड़ी संख्या बतानी है। क्रमागत का मतलब हो गया, इससे 68 से पहले क्या आया होगा, 66, और 66 से पहले क्या आया होगा, 64। ऐसे 68 के बाद क्या आया होगा, 70, और 70 के बाद कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। कितनी पूछी उन्होंने, पांच। देखो पांच तो हो गई है, 1 2 3 4 5। तो इन्होंने बोला कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगी, ये 72। ठीक है, 72 सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी, और 64 क्या आ जाएगी, 64 सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि पांच क्रमागत सम संख्याओं का औसत 68 है तो बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं, छोटी सब निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले टॉपिक करेंगे, तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।